माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदा नंदन यमुना तीरवनचारी यमुना यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदा नंदन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद इज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की ग्रंथरा श्रीमद भागवतम की समवेद गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे ऑल गोरिस टू असेंबल डिवोटीज ऑल गोरिस टू असेंबल डिवोटीज ऑल गोरिस टू असेंबल डिवोटीज ऑल गोरिस टू श्री गुरु एंड गौरंग हरे कृष्णा ऑन बिहाफ ऑफ द टेंपल डिवोटीज We like to welcome His Grace Sarva Sakshi Prabhu. ग्रंथरा श्रीमद भागवतम स्कंद चार अध्याय 24 श्लोक संख्या 10 यश्चेदं देवयजनं अनुयज्ञं वितन्वतः प्राचीनाग्रे कुशेरासीद् आस्त्रितं वसुधातलम् यश्चेदं देवयजनं अनुयज्ञं वितन्वतः प्राचीनाग्रे कुशेरासीद् आस्त्रितं वसुधातलम् यश्चेदं देवयजनं अनुयज्ञं वितन्वतः प्राचीनाग्रे कुशेरासीद् आश्रितं वसुधातलम् यश्चेदं देवयजनं अनुयज्ञं वितन्वतः प्राचीनाग्रे कुशेरासीद् मातजीज यश्चेदं देवयजनं शब्दार्थ यशः जिसका इदं यः देवयजनं यज्ञों द्वारा देवों को तुष्ट करना अनुयज्ञं निरंतर यज्ञ करते रहना वितन्वतः करते हुए प्राचीनाग्रे पूर्व दिशा की ओर रखते हुए कुशे कुशों से आसीत हो गई आश्रितम बिखरे बिखरे हुए वसुदातलम पृथ्वी के ऊपर अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद के तो अनुवाद इस प्रकार से है महाराज बहिरिशत ने संसार भर में अनेक यज्ञ किए उन्होंने कुश घासों को बिखेर कर उनके अग्र भागों को पूर्व की ओर रखा तात्पर्य जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है महाराज बहिरिशत यज्ञों के कर्म कांड में गहन भाव से लीन रहते थे
क्रिया कांडेशु निष्णातः। इसका अर्थ यह हुआ कि जो ही एक स्थान पर यज्ञ समाप्त होता था उसी के निकट दूसरे स्थान पर वह दूसरा यज्ञ प्रारंभ कर देता था। आज के समय में भी सारे संसार में संकीर्तन यज्ञ संपन्न किए जाने की ऐसी ही आवश्यकता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने विभिन्न स्थानों पर संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना प्रारंभ कर दिया है। अरे देखा गया है कि जहां भी ऐसा यज्ञ किया जाता है वहां हजारों लोग एकत्रित होते हैं और उसमें भाग लेने लेते हैं। इस प्रकार से प्राप्त अदृश्य कल्याण को सारे संसार भर में चालू करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को एक के पश्चात एक इतने संकीर्तन यज्ञ करने चाहिए कि लोग हंसी हंसी में ही सही या गंभीरता पूर्वक हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे महामंत्र का जाप करें। इससे उनके हृदय विमल होंगे। भगवान का पवित्र नाम हरे नाम इतना शक्तिशाली होता है कि चाहे हंसी में जपा जाए या गंभीरता पूर्वक इस मंत्र की ध्वनि चारों ओर समान रूप से फैलती है। इस समय महाराज बरिषद की भांति बारंबार यज्ञ करना संभव नहीं है, किंतु संकीर्तन यज्ञ करना तो हमारे वश में है, क्योंकि इसमें कुछ भी धन लगता नहीं। कोई कहीं भी बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता है। यदि पृथ्वी तल को हरे कृष्ण महामंत्र के जप से अप्लावित कर दिया जाए तो संसार के लोग परम सुखी हो जाए। ओम अज्ञान तिमिरांधश ज्ञानांजन शलाकया तुरुन्मीलितम् श्री चैतन्यमेन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिक करुणा सिंधो गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी वृंदावनेश्वरी हरि प्रिये वांडरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम का ये जो अध्याय है जिस शिवजी द्वारा की गई स्तुति का गान, वास्तव में श्रीमद् भागवतम पर कोई व्यक्ति वक्तव्य करना चाहता है तो उस व्यक्ति के शुकदेव गोस्वामी या महान आचार्यगण कहते हैं एक गुण की परम आवश्यकता है और वो है निर्मत्सरानाम सताम। क्योंकि श्रीमद् भागवतम ये या श्रीमद् भागवतम में प्रवेश तभी संभव है जब व्यक्ति निर्मत्सर हो या ईर्ष्या से रहित हो, तभी वो श्रीमद् भागवतम में प्रवेश कर सकता है और भागवतम के जो दिव्य रहस्य हैं उनको समझ सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के जो अंतरंग वो कहा करते थे जहां भागवत स्थाने भागवत पढ़ो गया भागवतर स्थाने, कि भागवत व्यक्ति के पास जाओ या वैष्णव के पास जाओ और उनके पास जाकर श्रीमद् भागवतम को यथोचित रूप से समझने का प्रयास करो। क्योंकि भागवतम और भगवान कृष्ण अभिन्न है। भागवतम को समझना, भागवतम के प्रति आसक्ति का उदय करना, उसका अर्थ है कि कृष्ण के प्रति आसक्ति को उजागर करना। इसलिए हमें श्रील प्रभुपाद या वर्तमान आचार्य और वैष्णवों का आश्रय लेकर श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। और ऐसा ये जो अध्याय है वैष्णवों में ये जो अध्याय है रुद्र गीत के रूप में अत्यंत फेमस है, क्योंकि इसी अध्याय में जो भगवान शिव हैं उन्होंने क्या किया है, कृष्ण की महिमा का
गान किया है विशेष स्तुति के माध्यम से। तो यहां मैत्रेय मुनि विदुर जी को जब पृथु का चरित्र उन्होंने सुनाया और फिर उन्होंने आगे कहा कि आगे चलकर उन्हीं के वंश में महाराज बरीशत होते हैं जो हवीरदान के पुत्र थे और जिनका अन्य नाम प्राचीन बर ही पड़ता है। तो पुराणों में वर्णन आता है कि ये जो बरीशत है जिनका प्राचीन बर ही नाम क्यों पड़ा, तो शास्त्र कहते प्राचीन आगरा कुशास्तश पृथिव्याम विश्रुतो मुने प्राचीन बरहिर भवेत ख्यातो भुवि महाबलः। तो ये प्राचीन बरही या बरीशत है उनका प्राचीन बरही नाम ये इसलिए भी पड़ता है कि उन्होंने क्या किया कि पूरे संसार में कुशा से सारा जो पृथ्वी है वो आप्लावित कर दिया, मतलब इतने यज्ञ किए। इस श्लोक के अनुवाद में लिखते हैं प्रभुपाद कि उन्होंने इतने यज्ञ किए कि सारा जो पृथ्वी है वो कुशाग्रास से अप्लावित हो गया था। और पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि मैत्रेय मुनि उनके दो विशेष गुणों का वर्णन करते हैं। वैसे तो उनको कहते हैं ये सुमहाभाग हैं, और वैसे देखा जाए तो ये कर्म कांडों में लिप्त हैं, तो ये सुमहाभाग कैसे हो सकते हैं, महाभाग्यशाली कैसे हो सकते हैं। तो लेकिन आगे चलकर हम देखेंगे कि ऐसे नारद मुनि का आश्रय स्वीकार करते हैं और जिसके कारण वो वास्तव में महाभाग्यशाली बनते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो वास्तव में व्यक्ति का भाग्योदय तभी हो जाता है जब उसे किसी महान वैष्णव का या आचार्य का आश्रय प्राप्त होता है। लेकिन यहां उनके दूसरे कार्य के बारे में भी मैत्रेय मुनि वर्णन करते हैं कि ऐसे ये राजा जो अत्यंत भाग्यशाली है लेकिन एक चीज में बहुत अधिक निष्णात थे, एक्सपर्ट थे, क्रिया कांडेशु निष्णात। क्रियाकांड मीन्स कर्मकांड। तो वास्तव में कर्मकांड आदि चीजों के लिए भागवतम में कोई स्थान नहीं है। इसलिए भागवतम क्या करता है, कैतव धर्म को लात मारकर बाहर निकालता है। भागवतम में तो केवल शुद्ध भक्ति को ही स्थान है, क्योंकि बाकी सारे जो धार्मिक कार्य है वो वास्तव में खुद की या दूसरों की वंचना मात्र है। इसलिए भागवतम में सूत गोस्वामी कहते हैं धर्मश ही अपवर्गश। धार्मिक कार्यों का उद्देश्य होना चाहिए पवर्ग से बाहर निकलकर अपवर्ग जो भगवत धाम है उसमें स्थित होने के लिए या भगवत धाम जाने के लिए। लेकिन जो वेद है वो अलग अलग कांडों का वर्णन करते हैं। वेदों में तीन कांडों का वर्णन आता है, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। तो ये जो महाराज बरीशत है वो निष्णात थे कर्म कांड करने के लिए। तो लेकिन कर्मकांड क्या है, वास्तव में ये सकाम कर्म है। प्रभुपाद कहते हैं कि स्पिरिचुअल एक्टिविटी फॉर बेटर सेंस ग्रेटिफिकेशन, कि ये आध्यात्मिक कार्य है लेकिन ये किसके लिए है, और अच्छी इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करने के लिए। उसी को भगवद गीता में भगवान कहते हैं ऐसे जो कर्मकांड आदि है उनके प्रति जो अल्प ज्ञानी है वो उसके प्रति आकर्षित होते हैं। क्यों आकर्षित होते हैं लोग उस कर्मकांड के कार्यों के प्रति, क्योंकि वो अपने जीवन में तीन चीजें की कामना करते हैं। भगवान गीता के दूसरे अध्याय में इनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि काम आत्मनः, आत्म काम का वर्णन नहीं करते, वो कहते हैं काम आत्मना स्वर्ग पराम जन्म कर्म फल प्रदान। काम आत्मना का मतलब है कि जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को रखता है या इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करने का इच्छुक है, ऐसा व्यक्ति कर्मकांड के जो लैंग्वेज है, आलंकारिक भाषा है, उसके प्रति आकृष्ट होता है। दूसरा व्यक्ति भगवान के जो कामना करता है या स्वर्ग प्राप्ति की कामना कर, अप्सराओं का उपभोग, सोमरस आदि का पान,
या लंबी आयु प्राप्त करना, तो ऐसे लोग भी कर्म कांड का आश्रय तीसरे लोगों का, कि जो उच्च और अपने कर्मों का जो उत्कृष्ट फल है वह प्राप्त करना चाहता है। इन तीनों को भी एक ही शब्द में कहा जा सकता है, ये भुक्ति भोग की इच्छा रखने वाले हैं, इसलिए ये लोग कर्म कांड के जो कार्य है उसके प्रति आसक्त। तो वैसे देखा है कि शास्त्र तो कामधेनु के समान है। कामधेनु गाय को आप अप्रोच करते हो तो आप प्रकार से शास्त्र को, जिस भावना से आप शास्त्र को अप्रोच करते हो, शास्त्र के पास जाते हो, तो शास्त्र वही कामना आपकी पूर्ति करता है। जैसे श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम इतना महान ग्रंथ है जो कृष्ण प्राप्ति प्रदान कर सकता है, कृष्ण प्रेम दे सकता है। भागवतम का अपनी उपज है, धंधा बना लेते हैं, भागवतम का आश्रय लेकर धन आदि अर्जन करने का सहारा बना लेते हैं। तो इस प्रकार से जिस शास्त्र उस कामधेनु के समान है, जैसे आप उसको अप्रोच करते हो उसी प्रकार का जो फल है वो आपको प्राप्त होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसा जो कर्म कांड के कार्य है, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्ते लोकम विशंति, कि आपको उच्च स्वर्ग आदि की आदि का लाभ हो सकता है, लेकिन जैसे ही आपके पुण्य क्षीण हो जाते हैं उसी क्षण पुनः वापस आप इस मर्त्य जगत में आते हो। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर अपने गीत में प्रेम भक्ति चंद्रिका में भर्सना करते हैं इन इन कर्मकांड आदि की। वो कहते हैं कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विशर भांड, तो वो कहते कि कर्मकांड ज्ञान कांड आदि ये केवल विष का भांड है, विष का पात्र है, लेकिन जो ऐसे कामी लोग हैं, भुक्ति के इच्छुक लोग हैं, वो उसको अमृत की तरह देखते हैं। अमृत बलिया जेबा खाए, उसको अमृत के रूप में अपने जीवन में धारण करते हैं, उसमें प्रवृत्त होते हैं, और उससे क्या उनके जीवन में घटित होता है, नाना योनि सदा फिरे करदय भक्षण करे तार जन्म अध पाते जाए। तो जो भी व्यक्ति ज्ञान कांड या कर्म कांड का आश्रय ग्रहण करता है तो निश्चित रूप से ये जो संसार चक्र है, संस्कृति, इसमें पुनः वापस आता है, और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का जो ये चक्र है उसमें बारंबार प्रवेश करता है। इसलिए ये जो कर्म कांड आदि है ये हमारे लिए नहीं है, और ये किसी भी व्यक्ति का या इस जगत का कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक का जो तात्पर्य लिखा है, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वास्तव में श्रील प्रभुपाद के जो तात्पर्य है, कोई भी तात्पर्य वो सार गर्भित है। सार गर्भित का मतलब है प्रभुपाद जो मंतव्य जो आचार्यगण कर रहे हैं, चाहे वो मैत्रेय मुनि हो या शुकदेव गोस्वामी हो या व्यासदेव हो, उनका जो भाव है या उस शिक्षा का जो सार है वो प्रकट करते हैं श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में। प्रभुपाद कहते हैं कि जिस प्रकार से ये जो बरीशत ने यज्ञ आदि कर पृथ्वी को कुशा से आप्लावित कर दिया, उसी प्रकार से भक्तों को चाहिए कि नाम संकीर्तन का जो ये यज्ञ है उससे सारे पृथ्वी को क्या कर दे, आप्लावित कर दे। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद ने तीन चीजें कही हैं। पहला तो प्रभुपाद कहते हैं कि इस संसार में या जगत का परम कल्याण कौन सी चीज में है। इस जगत में, इस संसार का कल्याण केवल एक ही चीज से हो सकता है, यदि स्थान स्थान पर, अलग अलग स्थानों पर संकीर्तन यज्ञ हो। क्योंकि कलयुग में केवल एक ही यज्ञ है और वो है संकीर्तन यज्ञ। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं सहित सुमेदार कुबुद्धि संसार। वो कहते हैं कि सुमेधा व्यक्ति कौन है या बहुत बुद्धिमान व्यक्ति जगत में कौन है जो चैतन्य महाप्रभु का या भगवान कृष्ण की आराधना करता है संकीर्तन यज्ञ के द्वारा। श्री श्री राधपार्थ सारथी के, श्री श्री निताय गौर सुंदर के, सीताराम लक्ष्मण हनुमान के। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं
वही व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान है जो व्यक्ति इस कलियुगा में संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की या कृष्ण की आराधना करता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब रूप गोस्वामी को भक्ति के अलग अलग अंगों का वर्णन करते हैं तो उसमें पंचांग पांच अंगों का विशेष रूप से वर्णन करते हैं और उसको सबसे महत्वपूर्ण बताते हैं। लेकिन जब सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के पास आए जगन्नाथ मंदिर से दर्शन करने करके तो उनके हृदय में बहुत बड़ी लालसा थी कि चैतन्य महाप्रभु ने तो इतना बड़ा बड़ा उपदेश दिया है लेकिन मैं तो चाहता हूं कि क्या कौन सी ऐसी चीज है या कौन सा अंग है जो सबसे श्रेष्ठ है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। ये सारी चीजों में नाम संकीर्तन वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है। और लोचनदास ठाकुर चैतन्य मंगल में नाम संकीर्तन की तुलना एक तलवार से करते हैं, पैनी तलवार। वो कहते हैं कि संकीर्तन खड़ग लैया हाते। ये चैतन्य महाप्रभु इस संसार में अवतरित हुए हैं, वो खाली हाथ नहीं आए, नाम संकीर्तन को लाए। कहते नाम संकीर्तन की तुलना वो एक खड़ग से या पैनी तलवार से करते हैं कि अपने हाथ में चैतन्य महाप्रभु ने नाम संकीर्तन लाया और इस तलवार से क्या काटना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु, अंतरे असुर काटिबो। हर व्यक्ति के हृदय में एक एक असुर छुपा हुआ है और वह असुर कभी कभी बाहर आता है, अधिकतर कलियुगा में तो हमेशा बाहर आता रहता है। तो ऐसा जो असुर है, ये असुर क्या है, इस संसार को भोग करने की जो प्रबल वासना है या इस संसार पर प्रभुत्व जताने की जो प्रबल इच्छा है, तो ये जो आसुरिक भावना है जिसको चैतन्य महाप्रभु अपने संकीर्तन रूपी जो तलवार है उसके द्वारा उसको काटना चाहते हैं या काटने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। और इसलिए वास्तव में वही व्यक्ति धन्य है या वही व्यक्ति बुद्धिमान है जो कलियुगा में नाम संकीर्तन का क्या करता है, आश्रय लेता है। इसलिए जगदानंद पंडित कहते हैं कि मेरे जीवन में मुझे कुछ और नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि केवल मुझे दो ही चीजें चाहिए, एक है भगवान के नामों का कीर्तन और दूसरा है भगवान के प्रियजन जो उनके महान भक्त है उनका सहचर्य, उनका जो संग है। तो ये दो चीजों का व्यक्ति आश्रय ग्रहण करता है तो निश्चित रूप से इस कली के जो कलमश है उससे वो मुक्त हो सकता है। क्योंकि कली के जो कलमश है, शुकदेव गोस्वामी कली के दोषों का वर्णन करते हुए कहते हैं कले दोषो निधि राजन अस्ति एक महत गुना कीर्तना देव कृष्णश मुक्त संगह परम व्रजेत। तो वहां शुकदेव गोस्वामी कली के दोषों को कुछ चुल्लू भर पानी से तुलना नहीं करते या सर्वसाधारण जलाशय से या तालाब से तुलना नहीं करते। शुकदेव गोस्वामी कहते कलियुगा में दोष कितने हैं, सागर के समान है और सागर तो अनंत है, सागर को नापना हमारे लिए असंभव है। तो वैसे ही दोष इतने अधिक हैं, लेकिन इन दोषों को भी व्यक्ति पार कर सकता है यदि वो एक गुण का आश्रय लेता है और वो क्या है, कीर्तनादेव कृष्णश, कृष्ण का कीर्तन। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चैतन्य भागवत में वर्णन करते हैं संकीर्तन के बारे में, तो वो कहते हैं संकीर्तन का मतलब है अनेक लोग जब एकत्रित आते हैं भगवान के नाम का रूप का गुण का उनके परिकरों का उनके वैशिष्ट का और उनके लीलाओं का जब कीर्तन होता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं वो एक प्रकार का क्या है, संकीर्तन है। तो इसलिए व्यक्ति भगवान के संकीर्तन का नामों के कीर्तन का आश्रय लेकर ये जो महासागर है कलियुग का या ये संसार सागर है उसको सरलता से पार हो सकता है। हम रामायण से देखते हैं जब सीता महारानी या सीता देवी का अपहरण हुआ, सीता देवी लंका में थी अशोक वाटिका में, तो यह हनुमान जी एक बंदर हैं, छोटे से हैं,
लेकिन उनके पास इतना सामर्थ्य आ गया जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे और सीता देवी ने इस बंदर को देखा, वो सोचने लगी कि रावण को भी उस सागर को पार करने के लिए एक पुष्पक विमान का सहारा लेना पड़ा। रावण इतना बलशाली आसुर है, ये बंदर, उनको जिज्ञासा हो गई कि ये बंदर आया कैसे, ये हनुमान आया ही कैसे। तो उसको पूछती है सीता देवी कि ये हनुमान तुमने सागर को पार कैसे किया, कैसे यहां पहुंचे। तो हनुमान कहते हैं बहुत ही सरलता से मैं पहुंचा, जपतो राम रामेति सागरो गोष्पदायते। कहते हैं कि ये राम नाम का उच्चारण कर करके या राम नाम का जप करने मात्र से वो सागर का साइज कितना हो गया, एक गाय के खुर के भांति। तो वो कहते कि इसको पार करना फिर बहुत ही सरल है, बहुत आसानी से मैंने क्या किया, इसको लांग दिया। इसलिए व्यासदेव कहते हैं कि वही व्यक्ति सबसे भाग्यशाली है जो व्यक्ति कलियुगा में भगवान के नामों का प्रगढ़ता से आश्रय ग्रहण करता है। एक बार सारे ऋषि मुनि पुराणों में वर्णन आता है कि सारे पृथ्वी के ऋषि मुनि एकत्रित होते हैं और वो आपस में चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि कौन सा कार्य करने से सरलता से भगवत प्राप्ति हो सकती है, या कौन सा ऐसा कार्य है जो संसार में सबसे श्रेष्ठ है। तो वो आपस में चर्चा कर रहे थे, तो अलग अलग मुनि हैं, अलग अलग मत को स्थापित करता है। तो वो भ्रमित हो गए, किसी भी निष्कर्ष पर वो नहीं पहुंच रहे थे। तो फाइनली सबने सोचा कि हमें व्यास देव के पास जाना चाहिए, व्यास देव ही हमें हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं या सही उत्तर हमें प्रदान कर सकते हैं। तो सारे ऋषि मुनि व्यासदेव के पास जाते हैं और दूर से व्यासदेव को देखते, तो व्यासदेव तो एक जलाशय में स्नान कर रहे थे, और जब स्नान कर रहे थे तो जोर जोर से चिल्ला रहे थे व्यासदेव। व्यासदेव कहते हैं कलियुगा में शूद्रा ही धन्य है या श्रेष्ठ है, स्त्रिया ही श्रेष्ठ है। तो अभी इन सबको सोच, ये सब लोग, ये जो ऋषि मुनि है, ये जब व्यासदेव का ये वक्तव्य सुन रहे थे तो उनको लगा व्यासदेव को हुआ क्या, वहां गीता में कहते इनकी तुलना तो नीच से की गई है, श्रिया वैश्य तथा शूद्र, इनको एक अलग ही कैटेगरी में डाला हुआ है, लेकिन उन्हीं का ही गुणगान कर रहे व्यासदेव। हाँ, तो व्यासदेव के पास आते हैं और व्यासदेव को कहते हैं कस्मिन काले अल्पको धर्म ददाति सुमहत फलम, कि हे व्यासदेव बताओ क्या ऐसी चीज है जो थोड़ी करने मात्र से अल्प काल में अत्यधिक लाभ पहुंचा सकती है इस संसार के त्रिताप से पीड़ित बद्ध जीव के लिए। तो व्यासदेव कहते हैं कि एक वस्तु है, और वो क्या है, भगवान के नामों का कीर्तन। कहते हैं कि सत्ययुगा में व्यक्ति कोई लाभ प्राप्त करना हो तो उसको 10 साल तक कुछ धार्मिक कार्य करना पड़ता था, त्रेतायुगा में 1 साल तक करना पड़ता था, द्वापर युगा में 1 मास, लेकिन कलियुगा में केवल 1 दिन व्यक्ति ये भगवत नाम कर लेता है तो भी सरलता से वो भगवत प्राप्ति कर पाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शास्त्र भगवत नाम या संकीर्तन की महिमा से हम भरे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु वास्तव में संकीर्तन आंदोलन के क्या है, चैतन्य महाप्रभु पिता है। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं संकीर्तनैक पितरो, संकीर्तन आंदोलन के यही पिता हैं। विश्वम वरो द्विज वरो युग धर्म पालो, वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। तो वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत की शुरुआत करते ही ये वर्णन करते हैं कि वास्तव में चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन के पिता हैं और सारे जगत का प्रिय करने के लिए आए हैं, और जगत का प्रिय केवल एक ही चीज से हो सकता है, और वो है भगवान नाम का कीर्तन। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं मेरा नाम तो भक्ति वेदांत तो रखा गया है, लेकिन कभी कभी मैं अपने नाम के बारे में सोचता हूं तो ये नाम मुझे जचता नहीं है, ना मुझ में भक्ति है और वेदांत का मतलब ज्ञान, ये दोनों नहीं है।
लेकिन हे कृष्णा एक चीज मुझे लगता है कि है नामे खूब दरो, अपने उस पोयम में लिखते हैं कि आपका ये जो पवित्र नाम है उसको मैंने बहुत प्रगाढ़ता से पकड़ा है और नाम ही वास्तव में मेरा एकमात्र धन है। तो श्रील प्रभुपाद नाम रूपी इस धन को जो चैतन्य महाप्रभु की तलवार है, खड़ग है, उसको लेकर पाश्चात्य जगत में जाते हैं और संकीर्तन आंदोलन को लेकर जाते हैं। उनके पास कोई भी चीज नहीं थी। संकीर्तन के लिए हम निकलते तो हम सोचते गाड़ी होगी तभी जाऊंगा, मृदंग प्लेयर होगा तभी जाऊंगा, इंस्ट्रूमेंट्स होंगे तभी जाऊंगा, साउंड सिस्टम होगा तभी जाऊंगा। प्रभुपाद ये सोचते तो वो अपने स्टोर फंड से बाहर ही नहीं निकलते या यहां से जाने की सोचते ही नहीं। वहां प्रभुपाद पहला संकीर्तन करने के लिए निकलते हैं, नाम संकीर्तन, संकीर्तन यज्ञ न्यूयॉर्क की उस गार्डन के में एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठते हैं। उनके पास ना मृदंग था, ना कोई पीछे गाने वाला भक्त था, कोई चीज नहीं थी। ये केवल संकीर्तन यज्ञ रूपी तलवार ले गए और वहां केवल एक करताल, करताल को लेकर वन मैन संकीर्तन आर्मी, अकेला है संकीर्तन आर्मी में व्यक्ति। और उसने क्या किया, इस संकीर्तन के माध्यम से जो भी बद्ध जीव उनके संपर्क में आए उसके हृदय का जो आसुरिक स्वभाव है उसको काट डाला और उनको चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी बनाया। और ये वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का हृदय है। चैतन्य महाप्रभु का हृदय क्या है, पात्रा पात्र विचार नाही, नाही स्थाना स्थान। कि चैतन्य महाप्रभु ये नहीं देखते हैं कि कोई योग्य है या अयोग्य है, हर एक व्यक्ति को जय जहां पाए तहां करे प्रेमदान, जो भी मिले जहां भी उसे चैतन्य महाप्रभु ये जो नाम संकीर्तन से प्रेमदान करते हैं। तो वास्तव में ये जो हरि नाम है कभी कभी हम उसे बहुत साधारण लेते हैं, लेकिन वास्तव में चैतन्य महाप्रभु जो नाम लेकर आए हैं आचार्य गण कहते हैं वो साधारण नाम नहीं है, वो प्रेम नाम संकीर्तन है। क्योंकि जो भी व्यक्ति इसका उच्चारण करेगा वो व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान कृष्ण के प्रति अपने जो प्रेम की भावना है वो जागृत कर सकता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में लिखते हैं कि कोई पूछे कि भगवान के पास सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है, तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं नाम सम वस्तु नाएव संसारे, नाम से परम धन कृष्ण भांडारे। कि भगवान कृष्ण के पास नाम से बढ़कर वस्तु नहीं है, या इस त्रिभुवन में भी हरि नाम से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। नाम बिना किछु नाही कार 14 भुवन माझे। तो ऐसा जो नाम है भगवान कृष्ण ने अपने तिजोरी में बिल्कुल छुपा के रखा है या रखा था। लेकिन कृष्णदास कविराज कहते हैं कि कृष्ण ने तो इस नाम को गोलोक वृंदावन के सबसे अंदरूनी भाग में तिजोरी में लॉक करके रखा था। तो इस लॉक को तोड़ने के लिए कौन आ गए, ये पंच तत्व आ गए। पंच तत्व आए, उन्होंने कृष्ण को बारे में सोचा नहीं, उनके तिजोरी में चले गए अंदरून भाग में और जाकर उसको तोड़ डाला। ये ओरिजिनल डाकूज हैं पंच तत्व। उन्होंने क्या किया, उसको जाकर तोड़ दिया उस लॉक को और उसमें से ये नाम संकीर्तन, प्रेम नाम संकीर्तन को ले लिया। कृष्णदास कविराज उस पूरे अध्याय में कहते हैं ऐसा फल है नाम संकीर्तन, ऐसे नहीं कि उन्होंने दूसरों को दिया। पहले उन्होंने क्या किया, पहले आस्वादन किया इस पंच तत्व ने और वो आस्वादन करके वो पागल हो गए, नाचने लगे, गाने लगे, उन्मत्त होने लगे और इस जगत में आकर उन्होंने ये नाम संकीर्तन रूपी जो फल है सारे जगत को बांट दिया और जिससे हर एक व्यक्ति पूर्ण रूपेण लाभान्वित हो गया। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों में भी हम सुनते हैं सारे पशुओं को उन्होंने संकीर्तन नाम के द्वारा कृष्ण प्रेम के लिए पागल बना दिया था। तो ऐसा ये जो नाम संकीर्तन है चैतन्य महाप्रभु
लेके आए अपने साथ और उन्होंने सर्वप्रथम ये संकीर्तन का जन्म कराया योगपीठ या नवद्वीप मायापुर में। चैतन्य महाप्रभु पौष मास के अंत में गया से वापस आए थे और माघ मास के शुरुआत में उन्होंने पहला नाम संकीर्तन किया। अभी चैतन्य महाप्रभु अत्यंत पागल थे, जहां जहां हर चीज में, चाहे वो अपने स्टूडेंट्स उनिमाई पंडित के रूप में विख्यात थे नवद्वीप में, अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते थे तो कृष्ण के अलावा कोई और चर्चा नहीं करते थे। तो बहुत बार उन्होंने ये सब पढ़ाया, लेकिन एक दिन उन सारे स्टूडेंट्स को लेकर बैठे और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, पढ़े लाओ सुने लाओ जत दिन धरे, कृष्ण र कीर्तन कर परिपूर्ण करे। अभी आप लोगों को बहुत पढ़ा लिया मैंने और आप लोगों ने बहुत सुन लिया, अभी क्या करो, कृष्ण र कीर्तन कर परिपूर्ण करे। आप अभी कीर्तन करो कृष्ण का, कैसे करो, महाप्रभु कहते जी भर के कीर्तन करो। अभी ये सारे बच्चे स्टूडेंट शिष्यगण, उनको क्या पता ये संकीर्तन क्या है कीर्तन क्या है, तो वो महाप्रभु को प्रश्न पूछते हैं, शिष्यगण बले न के मन संकीर्तन, आपने सिखाए न प्रभु श्री सचिनंदन। इन सारे शिष्यों ने कहा ये संकीर्तन क्या है, चैतन्य महाप्रभु पर्सनली उनको सिखाना शुरू करते हैं सचिनंदन गौर हरि। और चैतन्य महाप्रभु फिर गाते हैं, क्या कीर्तन करो, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदा, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदा, तो जैसे ही उन शिष्यों ने पूछा, चैतन्य महाप्रभु ये एक लाइन गाते हैं, कहते हैं कृष्ण के नामों का कीर्तन करो। और फिर केवल गाओ ही नहीं, महाप्रभु कहते हैं, दिशा देखाया प्रभु हाथे ताली दिया, आपने कीर्तन करे शिष्य गण लिया। महाप्रभु ने सबको खड़ा किया और हाथों से ताली बजाने के लिए कहा और फिर उन सब शिष्यों को लेकर चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करने लगे। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं ये महाप्रभु का पहला इनर संकीर्तन यज्ञ था। फिर महाप्रभु ने शुरू किया श्रीवास ठाकुर के आंगन में, वहा वो तो जन्म स्थली है, नाम संकीर्तन यज्ञ की क्या है, जन्म स्थली है वहा नाम संकीर्तन। वास्तव में यहाँ तो अंकुरित हो रहा था और वहां पूरा पुष्प के रूप में प्रकट हो गया और उसकी सुगंध सारे त्रिभुवन में फैल गई। नाम संकीर्तन महाप्रभु का इतना प्रभावशाली था, यमराज आदि शिवजी गणेश जी भागवत चैतन्य भागवत में आता है अपने वस्त्र छोड़ छोड़ कर नाचते हैं जब महाप्रभु की कीर्तन की महिमा को वो सुनते हैं। तो ऐसे महाप्रभु का एक नाम बोलते हैं वृंदावन दास ठाकुर, कहते हैं कीर्तन नाथ है। चैतन्य महाप्रभु कौन है, कीर्तन नाथ, एक जगन्नाथ है लेकिन चैतन्य महाप्रभु कीर्तन नाथ है। आपने कीर्तन नाथ करे न कीर्तन, चौदी के बेड़िया गाय सब शिष्य गान। तो कीर्तननाथ स्वयं चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते हैं अपने सारे भक्तों के संग में। और फिर महाप्रभु पहला आउटिंग रोड पर कीर्तन करते हैं जब चांद काजी को दंडित करने के लिए निकलते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु इस संकीर्तन आंदोलन को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके द्वारा सारा जगत वास्तव में लाभ प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो नाम संकीर्तन है यही वास्तव में एक माध्यम है, जीव गोस्वामी कहते हैं, जिसके द्वारा हम अपना कल्याण कर सकते हैं और सारे संसार का भी कल्याण कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम।
कि वास्तव में ऐसा संकीर्तन ही हमारे जीवन में हमें विजय प्रदान कर सकता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ये जो नाम है, प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते हैं कि इतने स्थानों में संकीर्तन करो कि लोग मजाक मजाक में, हंसी हंसी में भी नाम ले तो भी वो लाभान्वित हो सकते हैं। जैसे घटना आती है, एक इस्कॉन सन्यासी, उनको पूछा कि आप कैसे भक्त बने, तो वो कहते हैं कि मैं विशेष विशेष घटना का वर्णन करते हैं कि वो कहते हैं कि एक उनकी एक प्रेमिका थी पूर्व जीवन में, अपने कर्मी जीवन में, तो एक उनकी प्रेमिका थी जो एक कुत्ते को वो पाला करते थे। एक कुत्ता उसके पास था, उसका लालन पालन करते थे, और वो जो लड़के थे वो हमेशा भारतीय दर्शन शास्त्र पढ़ते रहते थे, भारतीय धार्मिक ग्रंथ, और उसमें भी कृष्णमूर्ति एक है ना साउथ इंडियन, क्या नाम है, जीतो कृष्णमूर्ति, जय कृष्णमूर्ति, तो उनकी किताबें पढ़ते थे। और तो वो कृष्ण कृष्ण उसको बड़ा भा गया, उसने अपने कुत्ते का नाम रख दिया, क्या रख दिया, कृष्ण। तो कृष्ण कृष्ण रख दिया। अभी ये जो उसका प्रियकर है, ये ऐसे ही जाता रहता था, उसको पता है उसका कुत्ता है, लेकिन उसका नाम पता नहीं था। तो एक दिन ये गया तो उसने कहा मेरा कृष्ण गुम हो गया है, अभी इसको पता नहीं है ये कृष्ण कौन है। उसने कहा कृष्ण को ढूंढो, कुत्ते का नाम कृष्ण रखा था उसने, तो ये जाता है और इसको भेज देती है उसको ढूंढने के लिए। तो वो जहां जहां पुकार लगाते हुए हैं, कृष्ण कहा हो, कृष्ण कहा हो, तो ये घूम ही रहा था कृष्ण कृष्ण करते हुए हैं अलग अलग स्थानों में। तो उसका सौभाग्य ऐसा है कि जब ये कृष्ण कृष्ण कहते हुए जा रहा था, कृष्ण को ढूंढ रहा था, और एक एरिया में पहुंचा तो वहां इस्कॉन के भक्त हरिनाम संकीर्तन करते हुए जा रहे थे, और वो संकीर्तन में क्या गा रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो सामने से जब ये नगर संकीर्तन जा रहा था, और इसने सोचा अरे एक चीज तो मैच हो रही है, मैं जिसको ढूंढ रहा हूं ये पूरे के पूरे जो आर्मी है, लोग हैं, ये भी सर मुंडित करके उसी को ही ढूंढ रहे हैं जिसकी खोज में मैं हूं। और उसने सोचा मैं तो कृष्ण बोल रहा हूं, शायद ये कृष्ण है, उसका सरनेम भी उनको पता है। अरे इसको लगा कि इसको, इन लोगों को तो पूरा नाम पता है उस व्यक्ति का या जो भी है, तो ये सोचता है मुझे उनके साथ साथ चलना है। तो ये गया तो ये भक्त लोग हाथ ऊपर कर रहे थे और बोलते जा रहे थे। तो इसने पूछा, अच्छा, इसने कहा मैं कृष्ण को ढूंढ रहा, आप किसको ढूंढ रहे हैं। उन सबने कहा नहीं, इस व्यक्ति को, इसने कहा कि मैं तो कृष्ण को ढूंढ रहा हूं और आप भी ये कृष्ण उच्चारण कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप सब लोग भी कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं। तो एक संकीर्तन में भक्त था, वो कहते हैं हम भी नहीं, सारा संसार कृष्ण को ढूंढ रहा है। इस प्रकार से ये सब जा रहे थे। इसने पूछा ये हाथ ऊपर क्यों करते हो। उसने कहा हाथ ऊपर करके ही कृष्ण मिलेंगे। तो वैसे ही ये व्यक्ति संकीर्तन करते करते उनके साथ साथ चलने लगा और गा रहा था, हाथ ऊपर कर रहा था, और जाते जाते फाइनली मंदिर नजदीकी था तो पूरा कीर्तन टीम मंदिर में पहुंचा। जैसे मंदिर में पहुंचा तो इस व्यक्ति को बताया कि अभी हम पहुंच गए और यही है वो कृष्ण। उस भक्तों ने बोला तो वो फिर से वहां से वापस नहीं गया। और तब क्या करता है, ये जो आंदोलन है वो वास्तव में ज्वाइन करता है। तो इस प्रकार से वो सन्यासी कह रहे थे कि ये मेरा जीवन इस प्रकार से कृष्ण के साथ जुड़ गया है, इस प्रकार से नाम संकीर्तन के माध्यम से। तो इसलिए कृष्णदास कविराज इस नाम संकीर्तन की महिमा का वर्णन करते हैं। और इस साथ ही साथ भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं,
कली कुकुर कदन जदि चाओ है, कलियुग की तुलना वो कुत्ते से करते हैं। और वो वास्तव में हमारे संप्रदाय में कुत्ते का विशेष स्थान है। अब पूरा एक प्रवचन हो सकता है, कृष्ण भावना और कुत्ता। कुत्ते के कितने सारे गुण हैं, बहुत दुर्गुण भी हैं, लेकिन एक गुण भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, वफादार हैं और वो भोक्ता हैं। किस पर? जो अभक्त हैं। तो उसी प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि कली रूपी कुत्ते का ताड़न करना है तो चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेना होगा। चैतन्य महाप्रभु का व्यक्ति को गुणगान करना पड़ेगा। और चैतन्य महाप्रभु का असली गुणगान क्या है? ये नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करना। इसलिए शास्त्र कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जन्म सार्थक करे कर पर उपकार। व्यक्ति को अपना जन्म सार्थक करना चाहिए और साथ ही साथ दूसरों पर भी उपकार करना चाहिए, क्योंकि दूसरों पर उपकार या दया की जो भावना है उससे हमारे जीवन में अत्यधिक लाभ होता है। एक सर्वसाधारण उदाहरण ही ले लो, पुराणों में एक उदाहरण आता है, एक व्यक्ति था जिसने बहुत सारे पाप कर्म कर दिए, इतने लोगों को मार डाला, उसने 70 हत्याएं कर दी थी, 70 मर्डर, 70 मर्डर्स। तो उसको एक दिन पश्चाताप हो गया कि मैंने इतनी सारी मर्डर्स की है, तो मैं बहुत पापी व्यक्ति हूं। वो सोचा कि नहीं, मुझे दुष्कर्म से अलग होकर किसी साधु की शरण ग्रहण करनी है। वो व्यक्ति साधु का आश्रय लेने के लिए जाता है, उनको कहता है, साधु महाशय गुरुदेव, आज से मैं आपका आश्रय ग्रहण करता हूं, मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है, मुझे उपाय बताइए कि कैसे मैं इससे शुद्ध हो सकता हूं अपने पाप कर्मों के फलों से। तो वो गुरुजी कहते, एक ही उपाय है, तुम्हें पृथ्वी के सारे तीर्थों में भ्रमण करना होगा, सारे तीर्थों में जाकर स्नान करना होगा, और तीर्थों में जाओ, उसके हाथ में एक झंडा पकड़ाते हैं और ये झंडे का कलर काला था। वो कहते, जिस तीर्थ में स्नान करोगे और तुम स्नान करो, ये झंडे को भी स्नान कराओ, और झंडे का कलर जैसे ही सफेद हो जाएगा, आप क्या हो जाओगे? शुद्ध हो जाओगे। तो ये पूरे पृथ्वी का भ्रमण करते करते सारे तीर्थों का स्नान किया, देखा इसका कलर चेंज हो गया था, लेकिन झंडे का कलर चेंज नहीं हो रहा है, फ्लैग काला के काला। हमारे साथ भी वैसे ही है, हमारा जो हृदय का कलर है वो वैसे की वैसे रहता है सारे तीर्थों में भ्रमण करने के बाद। तो ये व्यक्ति सब जगह भ्रमण करते करते वापस आ रहा था, परेशान हो गया और कहा कि नहीं, बस अभी गुरु के चरणों में डंडा डालूंगा, झंडा डालूंगा, अभी कुछ नहीं करना मुझे, अभी मैं शुद्ध होने वाला नहीं हूं। तो उसने दूर से कुछ आवाज आई, जंगल में देखा कि किसी स्त्री की आवाज आ रही थी, कुछ आसुरी लोग किसी स्त्री के साथ दुष्कर्म कर रहे थे। तो इसने सोचा, अच्छा जाता हूँ, क्या हो रहा है, देखा कि ऐसा ऐसा कार्य घटित हो रहा है। तो ये हमेशा तलवार रखता था, पहले उसने कितने लोगों को मारा था? 70। अभी सोचा, और वो 10 लोग थे, कहते 70 को तो मार ही दिया है और 10 मारूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, झंडे का कलर बदलने वाला नहीं है। तो ये जाता है थोड़ी सी सहायता करने के लिए, दूसरों की सहायता, ये जाता है, अपनी तलवार लेता है और उन 10 लोगों का सर अलग कर देता है। और जैसे ही सर अलग कर देता है, उसी क्षण अपने झंडे को देखता है, तो झंडे का कलर कैसे हो गया था? सफेद। वो नाचने लगता है, गाने लगता है, और वो जाता है गुरुजी के पास। गुरुजी को कहते, अच्छा तुम्हारे झंडे का कलर तो सफेद हो गया, तुम तो लग रहा है शुद्ध हो गया, हाँ सारे पाप कर्मों से, पाप फलों से, कौन से तीर्थ में स्नान किया? इसको पता था कि कोई तीर्थ नहीं था, कोई तीर्थ नहीं जो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने बोला, 80 तीर्थ। कौन सा तीर्थ? मैं जब ये शब्द पुराण में पढ़ रहा था, मुझे लगा कि रियली कोई 80 तीर्थ है, लेकिन बाद में समझ आया कि 70 और उसमें 10 ऐड हो गए तो 80। तो इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि एक
साधारण दूसरे की पीड़ा कम करने से उसको इतना लाभ हो गया है, तो आप मानो किसी को आप क्या करते हो, ये नाम संकीर्तन प्रदान करते हो, भगवान नाम देते हो, तो कितना अधिक लाभ आप प्राप्त कर सकते हो। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण प्राप्ति का सरल माध्यम है, कृष्ण को आप दूसरे को दे दो तो आपके जीवन में आपको कृष्ण प्राप्ति सरलता से संभव हो सकती है। इस प्रकार से इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद ने कर्म कांड आदि का वर्णन ना करते हुए वास्तव में उस श्लोक का जो सार है या उससे जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है उसे प्रभुपाद प्रदान करते हैं। और प्रभुपाद नाम संकीर्तन की महिमा को अपने इस तात्पर्य में बताते हुए कहते हैं कि नाम संकीर्तन ही जगत का कल्याण करने वाला है और नाम संकीर्तन ही सुखी जीवन की एकमात्र कुंजी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के श्रील प्रभुपाद के हरिनाम संकीर्तन के निताई गौर प्रेमानंदे।